सलाम वालेकुम यूट्यूब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? पता नहीं आवाज़ ठीक आ रही है नहीं आ रही, लेकिन उम्मीद है कि आवाज़ अच्छी आएगी। आज जो बाइक मैं आप लोगों के पास लेके आया हूँ, इस बाइक को पिछले 2-3 साल के अंदर बहुत ज़्यादा पसीराई मिल रही है, बहुत सारे लोग इस बाइक को परचेज़ कर रहे हैं। इस बाइक के रिव्यूज़ यूट्यूब पर भरे पड़े हैं, पाकिस्तान के, इंडिया के, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, लेकिन ये वीडियो रिव्यू वीडियो नहीं है। इस वीडियो को आप तक लाने का मकसद ये है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप साइक्लोन RX3 रोड प्रिंस का जो CSC स्पेक्स का वर्जन है, अगर ये बाइक करना चाहते हैं, तो इसके अंदर क्या मुश्किलात हैं, क्या आसानियां हैं, ये बाइक कैसे परफॉर्म करती है, ये आप एक यूज़र से सुनें। इसमें आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी, मकसद सारा ये है। तो पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ अपने दोस्त से, उसके बाद उनकी बाइक से, और फिर हम इनसे सुनते हैं कि इन्होंने ये बाइक क्यों ली। तो ये वकास हैं, ये मेरे बहुत अच्छे अजीज़ दोस्त भी हैं, भाइयों की तरह भी हैं, हमने साथ में ट्रैवल भी किया है। इनके पास पहले होंडा CB होती थी, अब इन्होंने बगावत कर दी होंडा CB बेच के, ठीक है, और ये साइक्लोन पे आ गए हैं। लेकिन हमें खुशी है इस बात की, क्योंकि इनके तवस्सुत से अब हमें इस बाइक के बारे में जानने को बहुत कुछ मिलता है। तो वकास, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। कैसा आपका, क्योंकि मुझे पता है ये बाइक आपने अभी ली है, ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ, लेकिन मुझे यही पता है कि इसके ऊपर माशाल्लाह आपने 2-3 टूर खड़का दिए हैं तो कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक बाइक का? ओवरऑल एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक 6 मंथ्स प्लस हो गए हैं मुझे कुछ, और मैं इस पर 2-3 टूर्स कर चुका हूँ लॉन्ग, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। कुछ चीज़ों में जो है कि मैं डरा हुआ था, शेकी था लेते हुए इसको, जैसे होते हैं लोग के यार कैसी बाइक होगी, क्या होगा, क्योंकि नॉर्मली अवेलेबल नहीं है इतनी ज़्यादा बाइक, और आपको चलाने के लिए भी, टेस्ट राइड के लिए भी नहीं मिलती। सही है। तो बस ये कि ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च और ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र ओपिनियन, जो कि कुछ लाहौर में थे कुछ यहाँ थे, उनकी बेसिस पे मैंने डिसाइड किया कि देन आई शुड गो फॉर दिस। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आप आ रहे हो CB 150 से? बिल्कुल। ऑल्दो दिस इज़ अ 250, इसकी पावर अच्छी है। कंफर्ट लेवल आपको क्या लगता है कि इस बाइक का टूरिंग के अंदर कंफर्ट लेवल जो है वो कैसा है, एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल 150 हमारे पास हैं, या इवन के CB की हम बात कर लें तो? असल में देखें, जो मैंने जो ऑब्जर्व किया ना, कि जो एक पर्पज़ बिल्ड बाइक होती है ना, टूरिंग बाइक, उसका जो फील है वो बड़ा डिफरेंट होता है। हम लोग, आपको पता है कि हम लोग अपनी जो भी हमारे पास अवेलेबल 150 सीसीज हैं, सारी कम्यूटर बाइक की कैटेगरी में आती हैं। हम इसको मॉडिफाई करते हैं, बनाते हैं, उस हिसाब से चलाते हैं। मैंने CB 150 पे पाकिस्तान का टूर किया है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन उसने परफॉर्म किया था, मैं फुली उससे सेटिस्फाइड था। लेकिन मेरा जो माइंड सेट था वो ये था कि यार एक प्रॉपर पर्पज़ बिल्ड बाइक, टूरिंग बाइक परचेज करनी है, और उस वक्त जो ऑप्शन अवेलेबल थे उसमें सबसे अच्छा ऑप्शन जो अवेलेबल था, रिसर्च बेस जो भी मैंने डिसाइड किया, वो मुझे RX3 लगा। तो मैंने RX3 की तरफ मैं गया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। मैंने इसको थॉरली टेस्ट किया है, और काफ़ी लॉन्ग टूर्स भी किए हैं। मैं कोटा चमनगढ़ टूर पे भी गया था लास्ट मंथ, तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह भारी वेट के साथ, बहुत भारी वेट के साथ गया था तो उसमें जो है मतलब मैंने काफ़ी थॉरली इसको टेस्ट किया। मैंने जो भी शको शुबात थे, जो भी नेगेटिव लोगों के पॉइंट्स थे, उनको मैंने जो है ना टेस्ट किया कि यार आइदर ये चीज़ें हैं, या एक यूज़र एक्सपीरियंस है, या चीज़ें हैंगी। कहने का मकसद ये कि देखें, कंफर्ट लेवल जो है ना, जो कम्यूटर बाइक का होता है, वो एक डिफरेंट बाइक कैटेगरी की बाइक है, ठीक है, और ये एक टूरिंग बाइक है। आपको इसमें जो है वो एक, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ता है इसको चलाने के लिए, जो मैं समझता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब मैंने इसको चलाया और मैं जब इसको ऑन रोड या ऑफ रोड भी लेके गया, तो मैंने कुछ चीज़ें स्किल लर्न किए, सीखे, और कुछ चीज़ें रिसर्च की कि यार मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल ऑफ रोडिंग के अंदर मैं इसको खड़े होकर अगर चलाऊँ तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। और ये चीज़ मैंने देखी भी कि बाकी इंटरनेशनली भी जो लोग इंडियो या जो टूरिंग बाइक चलाते हैं, वो ऑफ रोड पे कंफर्टेबल फील करते हैं स्टैंड करके राइड करते हैं। सही है, तो वो चीज़ एक डिफरेंट थी। CB में आपको ये चीज़ फील नहीं होती थी इतनी ज़्यादा, आपको रिक्वायरमेंट फील नहीं होती थी कि यार मैं खड़ा हो जाऊँ ऑफ रोड पर, तो इसके अंदर फील होती है कि मैं अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो मैं फील करता हूं कि मेरा इसमें बेटर कंट्रोल आ जाता है, और मैं बहुत आराम से इसको मैनूवर कर पाता हूं। सही है, चाहे जैसी भी ऑफ रोडिंग हो, तो ये चीज़ है। तो बस ये कि जो भी मेरे दोस्त वगैरह जो भी पूछते हैं कि यार ये लेनी है, क्या कहोगे तुम, हम ये बाइक चला रहे हैं, मैं उनको पहला वर्डिक जो देता हूँ ये कहता हूँ कि यार देखो, ये एक माइंड सेट है टूरिंग बाइक को लेके चलाना, और पहले आपको उस माइंड सेट से यूज टू होना पड़ता है। लोग कहते हैं यार इतनी कंफर्टेबल है ये GR से
कैसे कंपेयर करोगे कंफर्टेबल सीबीए? मैं बोलता हूँ नहीं, ये किसी बाइक से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर बाइक से आप ये एक टूरिंग बाइक का जो कंपैरिजन है वो नहीं कर सकते। अच्छा, वीडियो पे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अपनी लास्ट वीडियो के अंदर एक छोटा सा गिव अवे था मेरे पास बनेली की वॉच, जो कि मैंने जीती थी बनेली से। वो मैंने आप लोगों को कहा था कि किस तरीके से आप जीत सकते हैं, तो जिसने वो काम किया उसमें से एक रैंडम मैंने विनर सेलेक्ट कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मुसर्रत इकबाल, ये घड़ी आपकी हुई। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली मुझसे कॉन्टैक्ट करें ताकि मैं ये घड़ी आप तक पहुंचा सकूं। चलें हम वीडियो की तरफ दोबारा चलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसका कंपैरिजन जो है वो सीबी और जीआर से नहीं है। उसका रीज़न ये है कि वो कम्यूटर बाइक्स हैं और ये एक पर्पज़ बिल्ड बाइक है फॉर एडवेंचर टूरिंग। एग्जैक्टली। अच्छा, ऑप्शंस की आपने बात की वकास, आप मुझे ये बताएं कि ऑप्शंस में जब आप ये बाय कर रहे थे तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस थे एडवेंचर टूरिंग के लिहाज से? देखें, उस वक्त जो ऑप्शन अवेलेबल था मेरे पास, जो मैं रिसर्च कर रहा था जिस टाइम पे, ये अर्ली 2020 की बात है, उस वक्त एक लेफान KPT 200 आ रही थी जी, ठीक है, वो सिग्मा मोटर्स मंगा रही थी, और एक RX3 थी और एक जो है बनेली TRK 251 थी। ठीक है, मैंने जो रिसर्च की, जो उस वक्त जो पॉइंट निकल के आया, तो उसमें दो कैटेगरीज निकल के आई। एक कैटेगरी थी ड्यूल स्पोर्ट बाइक की, स्ट्रीट टूरिंग बाइक्स की, सही है, ठीक है, उस कैटेगरी में फॉल कर रही थी बनेली। बनेली के जो रिव्यूज़ मुझको मिल रहे थे वो ये थे कि ऑफ रोडिंग भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती, इट्स अ स्ट्रीट टूरिंग बाइक। ठीक है, ठीक है, और लेफान KPT वॉज वेरी रॉ, मतलब वो एक आध ही लोगों के पास थी और मेरा किसी से हार्डली कॉन्टैक्ट नहीं, नहीं खड़ी। हाँ, वो कोई नहीं है, वो मतलब एक आध लोगों ने वहाँ ली थी लाहौर में, सही है, उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया और रिव्यू उसका कोई सॉलिड मुझे मिला नहीं, सही, और वो थी भी 200 cc। जो मेरा जो पर्पज़ था इसको चेंज करने का, टूरिंग पे आने का, वो ये था कि यार मुझे EFI मिले, सबसे बड़ी चीज़ ये। आपको पता है हम लोग नॉर्थ में जाते हैं, ऊपर जाते हैं, वहाँ पर आपको ये कार्बोरेटर बेस्ड बाइक जो है ना बड़े तंग करती हैं। सही है, बिल्कुल करती हैं। तो ये इशू मैंने भी CB में भी फेस किया था, हंजा और खुंजराब के पास, बिल्कुल एयर फिल्टर निकाला और उसको जो है चेंज करके, खैर वो हमने कर लिया। मैं उस चीज़ से बिल्कुल माइंड फ्री होना चाह रहा था कि यार मुझे इसका कोई हैजल ना हो कि मैंने किसी पॉइंट ऑफ टाइम में मैं फलानी जगह नहीं जा सकता या मैं यहाँ नहीं जा सकता और मैं जो ना कह रहा, मैं कहीं लिमिटेशन है, सही है। वो चीज़ को मैं करने में समझ गया। उस वक्त मैंने जो रिसर्च की और जो डॉलर इन्फ्लेशन और सारी चीज़ें निकाल निकल के जो बाइक आई जहन में, और हर लिहाज से जो मेरे चेक बॉक्सेस थे जो मैंने सारे किए हुए थे वो टिक किए, उसमें ही RX3 मेरी फिट हुई। अच्छा, तो मैंने फिर इसलिए जो है इसकी तरफ सोचा कि मैं आई शुड गो फॉर RX3। ये बहुत अच्छी चीज़ वकास ने बताई कि रिसर्च बहुत ज़रूरी है। हम लोग रिसर्च करते हैं लेकिन हम लोग रिसर्च जो है ना वो हेयर से पे या कहीं सुनी पे बहुत ज़्यादा करते हैं। रिसर्च करने का तरीका जो है ना वो ये होता है कि भाई आप उसकी करंट और फ्यूचर की जो मार्केट है, करंट यूज़र और फ्यूचर के जो पोटेंशियल यूज़र्स हैं उनको जहन में रखते हुए आप करते हैं, फिर इसकी स्पेयर पार्ट्स और इसकी जो सपोर्ट है उसके लिहाज से वो बहुत ज़रूरी होती है। तो इन्होंने जब रिसर्च की तो उसके अंदर इनका एक डिसाइसिव फैक्टर ये भी था जो इन्होंने थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि इसके स्पेयर पार्ट्स की जो अवेलेबिलिटी है और जो इस बाइक की जो कम्युनिटी ऑल ओवर पाकिस्तान या ऑल ओवर जो वर्ल्ड बन चुकी है उसकी जो सपोर्ट है। मैं आपको ये बता दूँ कि ये बाइक जो है बेसिकली वो दो वेरियंट्स हैं, एक जोंगशन RX3 आती है और एक आती है CSC साइक्लोन RX3। इन दोनों में बहुत थोड़े से फ़र्क हैं लेकिन इन दोनों के फ़र्क के बावजूद भी बेसलाइन बाइक की सेम है। इस साइक्लोन के अंदर जो है वो EFI है और स्पोक रिम्स होंगे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। जो जोंगशन RX3 है उसके अंदर कार्बोरेटर है और अलॉय व्हील्स हैं। तो ये डिफरेंसेस के बावजूद भी ये बाइक तकरीबन एक हद तक सेम है। कुछ चीज़ें इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट हैं वो CSC ने अपने स्पेक्स के हिसाब से बताई। तो अब हम इनसे पूछेंगे कि भाईजान सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की मार्केट में है, स्पेयर पार्ट लब दे नहीं लब दे? स्पेयर पार्ट्स तो पता है आपको तैमूर भाई, यहाँ तो स्पेयर पार्ट्स का ही सबसे ज़्यादा रोला रहता है, बड़े बड़े डीलर्स यहाँ पे। आपको पता है हमने जब शुरू में CB 150 ली थी तब उसके भी स्पेयर पार्ट्स का इशू था। तो ये इशू ऐसी बात है कि इसके साथ भी था और ये एक डिसाइसिव फैक्टर था कि मुझे पता था कि जब मैं जाऊँगा इतनी बड़ी बाइक पर तो ये इशू आएगा। सही है। बट फिर वही बात के रिसर्च करी के यार चलो ठीक है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किसकी सपोर्ट पाकिस्तान में अवेलेबल है, सही है, इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मंसूर अहमद भाई जो हैं लाहौर में जो होते हैं, साइक्लोन ग्रुप उन्होंने पूरा क्रिएट किया है, वकार भाई वगैरह, तो
इन लोगों ने जो है इसके रेडीली यूज अवेलेबल पार्ट्स उनके पास होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है उनका, आप उनको डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर। ये इंडिविजुअल बेस्ड है, कंपनी इसकी कोई सपोर्ट नहीं दे रही है, बिल्कुल पैथेटिक सपोर्ट है कंपनी की। रोड प्रिंट्स ने ले आए यहाँ पे, उनकी बड़ी मेहरबानी है, तो बस उसके अलावा कोई सपोर्ट नहीं है। जब मैंने ली और फिर मैंने ट्यूनिंग के लिए उनसे कॉन्टैक्ट किया तो बस वो मुझे घुमाते रहे कि ये मैकेनिक के पास चले जाएँ, उसके बाद जब मैं उनके पास गया हूँ तो वो सिर्फ 70 सही कर रहे थे। तो मैंने कहा कि इससे बेहतर है मैं उनसे हाथ ना लगाऊँ इस पे, तो जो है क्या नाम है इसको खुद ही लेके जो है वो चलें इसको। लेकिन ये क्या अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा कोई इश्यूज इसके अंदर है नहीं। पार्ट्स इसके जो भी रेडीली यूज़ होते हैं, जैसे ब्रेक पैड्स हैं इसके, ठीक है, क्लच केबल, रेस केबल, ऑयल फिल्टर्स, ये सारे उनके पास कम्युनिटी जो अपनी बनी हुई है मुझे भाई वहाँ अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो लाहौर से हमें डिलीवर कर देते हैं। इसके अलावा जो चीज़ बड़ी डिसाइसिव थी वो ये थी कि अली एक्सप्रेस के ऊपर इसके इंजन के जो मॉडल है NC250 आप लेके, तो इसके तमाम पार्ट्स इंजन के इटसेल्फ पूरा इंजन भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। वेरी गुड, मतलब ये एक बड़ी बहुत पॉजिटिव बात थी जिसकी वजह से समझने के बड़ा डिसाइसिव फैक्टर था ये मेरा डिसाइड करने का कि नहीं आई शुड गो फॉर दिस। सही है, यानी कि स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कम्युनिटी बेस्ड है, अली एक्सप्रेस पे अवेलेबल है, यानी कि आप ऑनलाइन उसको ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताने के लिए इंट्रोड्यूट कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये बात बताना ज़रूरी है कि इस जो साइक्लोन RX3 थी वकास की, इसके अंदर जितना भी इलेक्ट्रिकल काम किया है वो वकास ने उसामा नासिर के साथ मिलके किया है। उसामा नासिर उनके ग्रुप के उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो दिस इज़ शार्ट आउट टू उसामा नासिर फॉर डूइंग अ वेरी गुड जॉब ऑन साइक्लोन RX3। अच्छा, मुझे आप एक सवाल ये है, आपने अभी बात की स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की सारी चीज़ों की, अब मुझे ये बताएं कि मैकेनिक्स को लेके आप क्या समझते हो कि इसकी सपोर्ट मैकेनिक्स के मतलब हाथ में है, मैकेनिक इसको हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा मार्केट के अंदर मसला ये है कि मैकेनिक फेल कराता है बाइक को, यूज़र नहीं कराता मैकेनिक, वो उसको जो है ना वो गश चढ़ना शुरू करते हैं जब कोई ऐसी बाइक को देखता है ना, तो मैकेनिक से लेके आपका क्या इसका वो है? अच्छा, मैकेनिक का ये था कि जब मैं रिसर्च कर रहा था उस टाइम में मुझे पता चला कि दी बाइक शॉप हबीब भाई वगैरह कराची में, यहाँ लोग अपनी RX3 लेके जाते हैं, लाहौर में हैं कुछ, तो सपोर्ट डिफरेंट मेजर सिटीज़ में है इसकी मैकेनिक वाइज, और कराची में जैसे मैं बता चुका हूँ अभी भाई वगैरह के पास है, तो मैं उस लिहाज से थोड़ा सा बेफिक्र था कि यार अगर कोई इशू आता है इन केस गॉड फॉरबिड तो वहाँ जाके इसको दिखाया जा सकता है। ये चीज़ एक अच्छी भी थी क्योंकि आपको पता है कि जगह जगह मैकेनिक्स को डिफरेंट जो हमारे नॉर्मल बाइक्स को कैटर कर रहे होते हैं वो अपने हिसाब से कर रहे होते हैं, तो जो है मैंने कहा कि बेहतर ये है कि प्रॉपर एक शॉप है जो RX3 को देखती है और लोग वहाँ से सेटिस्फाइड हैं, तो मैंने कहा कि डिसीजन लेते हैं बिल्कुल, और मैंने इसलिए डिसाइड किया इसको। मैकेनिक की सपोर्ट हमारे पास कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, मेजर सिटीज के अंदर अवेलेबल है, अवेलेबल लोग इसको अब अगर कोई खुदा ना खास्ता काम आता है तो इसको काम करने के लिए बिल्कुल राजी हैं, बिल्कुल। अच्छा, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस देखें, एक बंदा 150cc से 250cc पे आया तो उसने किन चीज़ों का रखा, उसने रिसर्च की, ठीक है ना, उस वकास ने फिर उसके बाद उसकी सपोर्ट के लिहाज से देखा, स्पेयर पार्ट्स को देखा, इसकी परफॉर्मेंस को देखा, इंटरनेशनली भी देखा, अवेलेबिलिटी को देखा, कम्युनिटी को देखा, मैकेनिक सपोर्ट भी मौजूद है, तो ये सारी वो बातें हैं जो एक बंदे को डिसीजन लेने पे आमादा करती हैं कि यस हम जा सकते हैं। मुझे ये बताएं कि हम लोग जब बाइक परचेज करते हैं ना टूरिंग के लिए रेडी करने के लिए, हम बाइक से ज़्यादा का सामान उस पर लगाते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं इन चीज़ों को, तो भाईजान आपने अभी तक ऐसी क्या क्या चीज़ें इस पर डाल दी हैं जो कि बाइक से ज़्यादा की हैं? इस पर तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बाइक से ज़्यादा की हो, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस मैंने इस पर किए हैं, जैसे मैंने लीवर गार्ड इसके अंदर इंस्टॉल किया है, ठीक है, एक्स्ट्रा लाइट्स मैंने लगाई हैं क्रैश गार्ड के अंदर इसकी, KZ30 है बिल्कुल, ये मैंने इंस्टॉल की है, ये एक्स्ट्रा फुटरेस्ट मैंने, ये बहुत काम की चीज़, हाँ एग्जैक्टली, हाईवे के ऊपर एग्जैक्टली, बिल्कुल, आप जब लॉन्ग ट्रिप्स पे, स्ट्रेट ट्रिप्स पे जा रहे हैं आप, तो आपको बड़ा कंफर्टेबल फील करती है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा पोजीशन आ जाती है अपनी लेग्स को स्ट्रेच करने की। हेडलाइट के अंदर हेडलाइट का लैंप मैंने इसका चेंज किया, जो स्टॉक था वो काफ़ी, उसकी पावर बिल्कुल वो तो कम थी काफ़ी उसकी, वो मैंने चेंज की है, इसका जो स्टॉक पैनियर बॉक्स था टॉप बॉक्स वो मैंने चेंज किया है बिल्कुल। इसके बॉक्सेस छोटे हैं जो मुझे लगता है, हाँ कैपेसिटी वाइज जो है ना वो थोड़े से कम हैं इसके बॉक्सेस, हाँ सही है, तो वो एक नीड आपको फील होती है
ये फ्लैग रॉड मैंने इंस्टॉल किए, तो खैर एज पर योर डिजायर। ये दिखने के अलावा इसमें टॉप पे एक लाइट लगी हुई है। एग्जैक्टली ये लाइट जो है ना वो रात में विजिबिलिटी के लिए ऐसे बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली आप जब ग्रुप में चल रहे होते हैं तो आपको विजिबिलिटी देती है। एक चीज जो इन्होंने अभी तक नहीं बताई वो है इस बाइक के टायर। ये जो टायर आप देख रहे हैं ना, इनमें खास बात ये है कि ये स्पोक्स में होने के बावजूद ट्यूबलेस है। अब वो ट्यूबलेस कैसे हैं उसके ऊपर इनसे मेरी बात हुई। एक वीडियो और करेंगे, क्योंकि एक वीडियो और करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि वो हमें जो है ना बकायदा तौर पे वहाँ बैठ के वीडियो बनानी पड़ेगी वो ट्यूबलेस हो कैसे रहा है। Exactly. ये दो टायर ट्यूबलेस हैं और अब कराची में और दूसरे सिटीज़ में बहुत सारे लोगों ने देखा देखी अपनी स्पोक रिम्स को ट्यूबलेस करना शुरू कर दिया है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। एग्जैक्टली मैंने थोड़ी इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से ली वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने F800 की एक वीडियो यूट्यूब पे देखी थी मैंने, जिसमें उन्होंने स्पोक ट्रिम को कन्वर्ट किया था ट्यूबलेस में। Very good. और उन्होंने सिलिकॉन हाई सिलिकॉन टेप यूज़ करके उसको सील किया था बेसिकली स्पोक्स के होल को, और उन्होंने फिर उसको ट्यूबलेस किया था। तो मैं ये कॉन्सेप्ट लेके जो है अपने एक दोस्त की हेल्प से गया, जो रेडियो पाकिस्तान में एक हमारे इमरान भाई हैं जो टायर शॉप फिटिंग करते हैं वहाँ पर, काफ़ी मशहूर हैं, उनको मैंने ये चीज़ दिखाई। तो उन्होंने कहा यार ये चीज़ मैं कर दूँगा और ये मैं ट्यूब से करूँगा। मैंने कहा भाई ट्यूब से कैसे करेंगे आप? कह रहे हैं मकसद सील करना है ना, मैं ट्यूब को ओपन करके और उसको रिम पे ऊपर चढ़ा के, मतलब सर्टेन टाइटनेस के साथ, और फिर टायर चढ़ा के एकदम इन्फ्लेट करूँगा, तो ये कॉन्सेप्ट वही आ जाएगा और ये ट्यूबलेस हो जाएगा। सही है। उन्होंने इस चीज़ को ट्राई किया, पहले उन्होंने एक व्हील को किया, फिर उन्होंने कहा एक दिन चलाओ ज़रा देखो इन्फ्लेट तो नहीं होता कहीं कुछ। सही है। फिर दूसरे को किया, देन फिर उन्होंने कहा एक हफ्ते के बाद आओ इसमें हम लिक्विड सीलेंट डाल देते हैं इसके अंदर, ताकि अगर कोई पंचर इसके अंदर कोई नेल लगती भी है तो ये बिल्कुल फ्लैट नहीं होगा। ओके। तब से लेके और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं चला रहा हूँ, और मैंने उसके बाद दो टूर्स भी किए। वेरी गुड। मूला छोटक भी गया मैं, इतनी मूला भी ट्यूबलेस इसी पे गया हूँ मैं। भाई कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं हो सकती। आप पाकिस्तानी होने चाहिए, शर्त ये है। एग्जैक्टली आपके अंदर भूख होनी चाहिए कि मैंने कुछ करना है। कुछ करना है। एग्जैक्टली तो बेहतरीन हो गया। टूर्स के लिहाज से इनकी बाइक अभी तक सबसे ज़्यादा सिंपल जो मैंने देखी है जितनी भी RX3, और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल की बात मैं क्यों करता हूँ अक्सर लोगों को, उसका रीज़न ये है कि जब आप एक्स्ट्रा वेट अपने साथ कैरी करते हैं ना, तो आप बाइक के इंजन के ऊपर लोड डाल रहे हैं। अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि ये बाइक शायद पाकिस्तान में वाहिद RX3 होगी जो 200-250 केजी के दो बंदों को लेके गई है। लेकिन वो कौन है वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बाइक का वो कमाल है। तो कैपेबिलिटी इधर है, सपोर्ट है, कम्यूनिटी है, मैकेनिक हैं। तो आखिरी सवाल जो अब मैं आपसे करूँगा ना, वो हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, कि भाई अगर मेरे पास 7-8 लाख रुपए हैं और मैं इससे बेहतर ऑप्शन ख़रीद सकता हूँ, तो तब भी क्या, अगर मैं आपको दूँ 7-8 लाख रुपए, मैं इस सवाल को आसान कर देता हूँ सबके लिए, कि मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आपकी रेंज जो है ना, मैं आपको 8 लाख रुपए 9 लाख रुपए देता हूँ, अब आप मुझे बताएं कि आप कौन सी बाइक लेंगे अपनी टूरिंग के लिए, तो आप क्या फ़ैसला करेंगे? देखिए तैमूर भाई, एट द एंड ऑफ द डे हार्ड एंड मनी है हम लोगों का। हम लोग चाहते हैं कि हमें वैल्यू मिले, कोई भी चीज़ हम ख़रीदें तो वो वैल्यू फॉर मनी हो। तो अगर आप 7-8 लाख रुपए मुझे देंगे तो मैं दोबारा इस बाइक को परचेज करना चाहूँगा, क्योंकि ऑप्शंस आपके पास अब दूसरी प्रोडक्ट्स में भी आ गए हैं, बट आपको वो वैल्यू निकल के नहीं आती जो आपको चाहिए होती है। आप 7-8 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हैं, बट आपका पर्पस इससे अगर फुलफ़िल हो रहा है तो वाई यू शुड स्पेंड 7-8 लाख। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न ये है कि हम लोग जो है ना, वो देखें शौक एक शौक है, जिसने शौक में लेनी है वो 50 लाख रुपए का भी बाइक ले। एग्जैक्टली हाँ। लेकिन जिसने टूरिंग करनी है और लिमिटेड बजट है या उसके पास कंस्ट्रेंट हैं और वो देखना चाहता है कि यार मैं ऐसी चीज़ लूँ जो कि टेंशन फ्री हो, मुझे ज़्यादा परेशानी ना दे, तो उसके लिए ये ऑप्शन मेरे ख्याल में इससे अच्छा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन कोई नहीं है। देखें Exactly. मैं ये नहीं बोलूँगा कि टॉप एंड की परफॉर्मेंस है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इससे अच्छी कोई बाइक नहीं है। Exactly. मैं ये बात नहीं बोलूँगा कि इस बाइक के बाद सारी बाइकें ख़त्म है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि ये बाइक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। जो पैसा आपने इस पर खर्च किया Exactly. वो ये बाइक जस्टिफाई करता है। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो करने का मकसद यही था कि आपको एक यूज़र की इंसाइट्स पता चलें, वो क्या मसलों को देख रहा है, क्या चीज़ वो फील कर रहा है, सपोर्ट कैसी मिल रही है, जो कि वकास ने भी बहुत अच्छे तरीके से बयान की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद अगर आप ये डिसीजन बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया वकास, थैंक यू वेरी मच। आप आए, आपने टाइम दिया, आपने बाइक हमारे व्यूअर्स को दिखाने का मौका दिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात चलती रहेगी, आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।